यस, ये जो पेपर मैंने आपको दिया है ये 2014 का एक्चुअल पेपर है। अभी आप लोगों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, पर 60-70% सिलेबस हो गया है। एक तो वो वाला पार्ट, और जिस पार्ट का सिलेबस नहीं हुआ, आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तक 12th पास आउट या 12th में होते हो, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने टॉपिक्स पढ़े नहीं होते। तो मैं इस पेपर में 1 to 100 नहीं चलूंगा या 120, पहले वो बताऊंगा जो आपको बेसिकली बन सकते हैं। पेपर को तीन पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट कि आप मिनिमम 40 क्वेश्चन बिना किसी आप टाइम देख लो अपनी क्लॉक का, एक घंटे से कम समय में हम 50 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और दूसरे घंटे में हम 30 से 40 वो क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं, मिस्टेक ना हो, क्योंकि एनडीए में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि 30-30, 40-40 तक लोग रॉन्ग कर देते हैं, वो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स से। वो क्या मिस्टेक्स होती है वो मैं बताता चलूंगा। जो टॉपिक्स नहीं पढ़े उनकी रिलेटेड थ्योरी भी बताता चलूंगा। तो 2-3 फेज में पूरा पेपर हम खत्म करेंगे। पहला फेज होगा स्कैनिंग राउंड विथ मेंटल सॉल्विंग क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जो कि आप पेपर का नेचर समझने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, ये होता है फर्स्ट राउंड। इतनी जल्दी टेस्ट सीरीज इसलिए स्टार्ट करी कि आप, है ना, पेपर में क्वेश्चन सर्च कर पाओ। टॉपिक वाइज पेपर में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन सर्च नहीं करने आ पाते, क्योंकि एक ही टॉपिक के होते हैं, पर जब फुल लेंथ पेपर होता है तो हमें सर्च करना आता है। फिर कई बार कई छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्मूले पता होते हैं, वो बनने लगते हैं, तो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो स्कैनिंग कैसे की जाती है और पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है वो बताता चलूंगा। आप लोग सब पेपर बहुत ध्यान से देखो, और जिनको नंबर बोलूं, मैं नंबर तीन ऑर्डर में चलता हूं, 1, 2, 3। 1 मतलब मेंटली सॉल्व हो जाएगा, ये सेकेंड राउंड का हो गया, और ये थर्ड राउंड का। अक्सर रिलेशंस या जो लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं उनको मेरा सजेशन होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो लॉन्ग स्टेटमेंट है भले इजी हो तो भी आप इन्हें बाद में सॉल्व करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब जरा इस पेपर को देखें हम, तो इस पेपर का नेचर क्या है वो समझें और कैसे करना है सॉल्व वो समझते हैं। यस, तो अगर हम पहला पेज देखें, अक्सर पहले पेज पे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं कभी कभी। इस पहले पेज के 3-4 क्वेश्चन सिंपल हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए जरा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स, ये भी मीन का है, वैसे क्वेश्चन सिंपल है, अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन 18, परमुटेशन का क्वेश्चन है, 21, ठीक है। आप 21 में क्या है, द सम ऑफ द सीरीज फॉर्म बाय द सीक्वेंस क्या दिया हुआ, बोलो, 3√3 1 अप टू इन्फिनिटी द सम बोला इसका। तो अब देखो ये मेंटल राउंड का पहला क्वेश्चन हुआ, ये 21 है। अब इसके पहले के क्वेश्चंस कर सकते हो पर अभी हम बाद में करेंगे, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखना है। सम इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 3√3 √3 1। अब आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आपने इसको रैशलाइज कर दिया, सिंगल स्टेप में लिख दिया, √3 + 1 / 3 - 1, बोलो 2, तो इसका आंसर हो गया ए, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 पर आए, वो थोड़ी 22 पर, तो 22 देखिए क्या क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, z + z̅ = बोलो z - z̅। लोकस पूछा है आपको, अगर z आपने मान लीजिए x + i / y लिया तो z̅ क्या होगा, तो z + z̅ होगा 2x का मॉड, और z - z̅ 2i / y, तो एक तरह से x² = y² या y² - x² = 0, तो क्या बोल सकते हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यस और नो, ठीक है। फिर अब ये बाइनरी का क्वेश्चन है, द नंबर 2 इज डेसिमल सिस्टम इज एक्सप्रेस इन द बाइनरी सिस्टम, 251 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। वैसे इस क्वेश्चन को आप चाहो तो पहले बाद में कभी भी कर सकते हो, इसका रूल पता है ना, 2 का डिवाइड करते चले और रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, 1, 2, 1 मिलेगा तो 5, रिमाइंडर 1, अरे एंड में, एंड में 1 देखो तो सभी में है, डी में नहीं है, तो डी रिजेक्ट। और पूरा नहीं करना है सॉल्व, क्वेश्चन को किस लेवल तक करना है वो भी जरूरी है समझना। फिर 2 से डिवाइड किया 6, 2, 1, फिर 2 से डिवाइड किया 31 और 0,
यानी आखिरी के तीन नंबर ऐसे होना चाहिए। देखिए कितने नंबर में ऐसा है, केवल बी, तो बी इज द राइट आंसर। करने को पूरा कर सकते हो आप, पर आपको ये पेपर का डिस्कशन में कर ही इसलिए रहा हूं कि आप ये समझ पाओ कि कहां कहां मिस्टेक करते हैं, कहां कहां टाइम सेव कर सकते हैं। पेपर पूरे ही करोगे आप, 20 क्वेश्चन मान लो एग्जाम में छोड़ दिए चलेगा, 80 कर लिए, फिर वो 20 डिपेंड करता है पेपर के नेचर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जरा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यह है क्वेश्चन नंबर 24। पहला राउंड में मान के चलता हूं स्कैनिंग के साथ में करीब करीब 30 से 40 क्वेश्चन चाहूंगा आप कर लें। अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब इसका आर्गुमेंट पूछा है, तो आर्गुमेंट जब ही बता सकते हो जब नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म पता हो। तो क्वेश्चन कब सिंपल क्वेश्चन है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो 2 माइनस 1 1, 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। बोलो ये हो गया 3 माइनस 3 0, इमेजिनरी पार्ट बचा, केवल इमेजिनरी पार्ट बचा है, तो पाई बाई 2 ही होते हैं उनके प्योरली। अब देखो पाई बाई 2 एक ही ऑप्शन में, पूरा मल्टीप्लाई के पहले मैंने आंसर बोल दिया। वो चीज आपको कैच करनी है पढ़ते समय, उतनी उस लेवल पे पढ़ाई करनी है, और उस लेवल पे मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया है कि क्या चीजें हैं जिसको ध्यान रखनी है, कि पूरा नहीं करना। अब आपने मल्टीप्लाई किया, अब क्या होता है छोटी छोटी स्टेप से टाइम बढ़ता है, अपॉन 9 प्लस 1 10, ये कैंसिल, देखो बचा क्या आयोटा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मतलब, और पॉजिटिव है तो पाई बाई 2, निगेटिव होता तो माइनस पाई बाई 2। देन 25 भी देखें तो इजी है। क्या होता है जब आप पहले सिंपल क्वेश्चन करने लगते हैं, ऐसा लगता है पहले पेज के 20 क्यों छोड़े, 20 तब नहीं थे पर मैंने जान करके छोड़े, कि आप में वो कॉन्फिडेंस आता है। कई बार हम ऐसे छोड़ते ही नहीं, हम एकदम ही स्टार्ट हो जाते हैं वन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20-25 नहीं 120 क्वेश्चन है। ये याद रखो कि जब पेपर से निकलो तो आप पूरे 120 क्वेश्चन पढ़ पाओ, ये आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और वो जब पढ़ पाओगे जब यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आप वो अपनी आदत डालोगे कि सिंपल से टफ और तीन राउंड में पेपर, पहले स्कैनिंग विद मेंटल राउंड, फिर इसमें समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन दूसरे राउंड में करना है और किस क्वेश्चन को तीसरे राउंड में करना है। आप जैसे ये क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ रहा है, पेपर में क्वेश्चन लिखा होता है, आप अलग से नहीं लिखे, मैं बोर्ड पे तो समझाने के लिए लिखता हूं, आपको नहीं लिखना है। अब देखो जब भी डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और ये अपोजिट साइन क्यों होते इसे, पर यहां पर वो नहीं है, ये 2 है तो ये प्लस 2 ही है, अगर ये माइनस होता तो जब स्क्यू सिमेट्रिक होता, तो अभी द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, अगर यहां माइनस होता तो हो सकता था। द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब होता है जिसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही मिले, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब इसका डिटरमिनेंट देखो कितना आता है, डिटरमिनेंट अगर इन्वर्टिबल मतलब होता है जिसका आप नॉन इन्वर्टिबल मतलब जीरो नहीं हो, इसका डिटरमिनेंट देखो क्या आता है, जीरो आता है क्या, देखो क्या आ रहा जल्दी, अरे मेंटली कर सकते हो, ये हुआ ये तो जीरो ही हुआ, ये हुआ माइनस 6, फिर इसके साथ करो माइनस 3, देखो इसका करा तो माइनस 6, ठीक है इसका करा तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, नॉट जीरो है, तो इन्वर्टिबल नहीं है, नॉन इन्वर्टिबल है एक्चुअल में। इसका आंसर ही टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बता रहा हूं इसका आंसर क्या दिया आपको हम लोगों ने, ए, यहां पर माइनस 2 है ये, हाँ अभी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, पर यहां पर क्या होना चाहिए था माइनस 2, और ये कहलाएगा फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखो याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मतलब होता है ए डैश इक्वल टू माइनस ए, और सिमेट्रिक मतलब होता है ए डैश इक्वल टू ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27, 26 को बाद में देखते हैं। अब 27 में देखिए क्या बोला है, 27 में बोला है वन ऑफ द रूट, तो वन ऑफ द रूट, अब ये पहले क्यों कर रहे हैं मेंटल वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द रूट मतलब जो इक्वेशन का एक रूट हो। अब देख के समझ में आ रहा है, पहले दूसरे तीसरे कॉलम को ऐड कर दो तो आपको ऐसा मिलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब एक रूट ये हो गया, यस और नो,
ये तरीका है, पहले वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए जिनसे आप एक कंफर्ट जोन में जाएं, और जो मैंने आपको पढ़ाने का तरीका रखा है, बेसिक जितना पढ़ाया हुआ है क्लास में आपने पढ़ा है, उस चीज को याद रखो। देखो क्वेश्चन आप लिख देता हूं, 27 एक्स प्लस ए बी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी एंड दिस इक्वल टू दिया है 0। अब अगर फर्स्ट कॉलम में हम सेकेंड और थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे, अब देखो ये स्टेप लिखने में कितना अननेसेसरी टाइम जाता है, और अगर आपने लिखा है एनालिसिस करते समय चीज देखनी है, अब जो आपको हर संडे टेस्ट पेपर मिलेंगे उनका बहुत डिटेल एनालिसिस करना है, ये ओरिजिनल पेपर है, मॉक पेपर ओरिजिनल कुछ भी मिलेंगे आपको, अटेंडम मिक्स पेपर सब मिलेंगे, तो आपका स्टेप वर्क कम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने मान लो ये स्टेप लिखी, नुकसान कुछ भी नहीं है क्योंकि आप लॉजिकली तो सही कर रहे हैं, पर ये लिखने में जो आपकी आप क्लॉक देखो कि कितना एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है। सबसे अच्छी टेक्निक होती है स्टेप सेविंग, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। मान लो ये लिखा आपने, अब सोचो ये लिखा हुआ, फिर आपने कॉमन लिया अगली स्टेप में, तो ये मिला 111 बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। अब दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू, जब आपने 0 से इक्वेट किया तो आपने ऐसा लिखा। अब ये चीज आपने मेंटली बता दी, तो इस चीज को बताने में मैं क्यों 2 मिनट लिख रहा हूं, ये सब चीजें बताते हुए चलना है मुझे आपको, कि ये छोटी छोटी बातें जिनसे आपका स्कोर बढ़ना चालू होगा। इसलिए इस बार 2.5 महीने तक टेस्ट सीरीज चलेगी ना, तो आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, 28 में देखिए क्या बोला है, और देखो आपको बाद के क्वेश्चंस में कितने इजीली कर पा रहे हैं। अक्सर जो आपको सेट मिलता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन टफ हैं, वो देखने लगते हैं इसलिए उलझ जाते हैं। मत देखो, आप तो पूरा पेपर एक बार टर्न अप करो कि क्या चीजें हैं। शॉर्ट मेथड से मतलब दिख रहा था कि सीधा सीधा तीनों को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो वो चीज जो ये कॉमन जो लिखी है वो मेंटली ऐड करके बाहर निकाल ली बेटा, समझ में आई बात। 0 दिया था ना इक्वल टू, देखो इक्वल टू में दिया है पेपर में 0, हाँ दो फैक्टर 0 है ना, ये तो एक तरह से ये एक चीज है और एक ये, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, इसमें एक ये भी होगा। अभी तो एक ही रूट तो निकाला है, उसने आपसे पूछा क्या है, वन ऑफ द रूट, पढ़ो देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द रूट, अदर रूट्स भी होंगे पर हमने अदर रूट्स नहीं निकाले, हमें तो वन रूट से मतलब, और वो दिख गया ऑप्शन में। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट 28, बिल्कुल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन है सुनिएगा, क्वेश्चन है इफ इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन द प्रोडक्ट ऑफ ए ए इज डिफाइंड, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन द प्रोडक्ट ऑफ ए ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इनटू n। ए कब डिफाइंड होगा, Obviously, ये है m into n, और a a define करने को बोला जा रहा है, तो जब ही होगा ना जब m n के इक्वल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन अगर मान लो किसी बच्चे से छूट जाए, पेपर आपका 100% एक्चुअल है, और पहला पेपर एक्चुअल लेने का पर्पज था, आगे के नहीं होंगे, पहला लेने का पर्पज था, क्योंकि आगे के मैं थोड़े से लेवल ज्यादा रखूंगा। अभी ये है कि ये समझो कि आपको पेपर इस ढंग से सोचना है कि यार ये चीजें तो हम कहीं नहीं छोड़ के आ रहे पेपर में, ये छोड़ के आ रहे हैं टफ करा है, तो कौन सी होशियारी, तो वो एक चीज को बहुत अच्छे से वर्कआउट करना है। अब देखो क्या है, द डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, इसलिए वो क्वेश्चन का डिटरमिनेंट -2 होता तो 0 हो जाता, तो बात समझ में आ रही है। और इवन ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आंसर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे मान लो ये है, इसके अपोजिट साइन होंगे, तो देखो ये ए स्क्वायर आया, और ये ही ऐसा हो बी माइनस बी सी माइनस सी, कभी भी डिटरमिनेंट निकालोगे 0, 4 × 4 का परफेक्ट स्क्वायर, 5 × 5 का ऑड, ऑड ऑर्डर का 0 और इवन ऑर्डर का परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर बस, अगले पेज पे आओ जरा। अब देखो 30
30 टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, क्या बोला है कहीं समझ में नहीं आया, स्पीड ज्यादा लगे तो बोल देना, हाथ उठा देना मैं बता दूंगा। 30 क्या है, इफ एनी टू एडजस्टेंट रो एंड कॉलम आर डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज इन द पोजिशन, कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है, तो आप लिखोगे चेंज इट साइन, चेंज इट साइन 30 में। हाँ और होना चाहिए था वहां पर, इफ एनी टू एडजस्टेंट रो और कॉलम, वहां एंड हटा दो, हाँ रिमेन द सेम, अगर एंड के हिसाब से देखें हम, अगर इसमें देखें तो एनी टू एडजस्टेंट रो एंड कॉलम ऑफ एडजस्टेंट आर इंटरचेंज इन द पोजिशन देन द वैल्यू ऑफ, अब देखो ऐसा है वो समझ लो, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं ना, अगर मैं दो रो को चेंज करूं तो नेगेटिव आएगा, ये डेल्टा है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर दो कॉलम को चेंज कर दे तो रिमेन सेम हो जाएगा, मान लो इन दोनों को चेंज कर दे, बिल्कुल सही है, वापस वही बन जाएगा। उसमें और है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, रो और कॉलम तो फिर साइन चेंज होगा, और अगर एंड मतलब दोनों चीजें होंगी तो रिमेन द सेम। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए, सेट थ्री का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, कर सकते हो पहले राउंड में, मतलब फर्स्ट राउंड वाले ही क्वेश्चन है, क्योंकि एक साथ तीन क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये था 30, नेक्स्ट आते हैं, जरा देखिए क्या है, आप सब लोग पेपर के क्वेश्चन नंबर जो बोलूं देखते हो चलना साथ में, 30 पे 3 आइटम्स दिए हुए हैं, इन अ सर्वे ऑफ, देखिए क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वॉज फाउंड दैट 50 हैज टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैज टेकन फिजिक्स, 11 हैज टेकन केमिस्ट्री, ठीक है, 5 हैज टेकन मैथमेटिक्स, चाहो तो डायग्राम बना के कर लो, वेन डायग्राम से जल्दी होगा, मैथ्स फिजिक्स एंड। अच्छा मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो किस हिसाब से समझा रहा हूँ, बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, पेपर पढ़ रहा हूँ, आपको ये सब नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम को सेव करना है, बोर्ड पे समझा रहा हूँ इसलिए कई चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। 12 हेड 11 हेड टेकन केमिस्ट्री, 5 हेड, 5 क्या बोला है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 9 हेड सेकंड मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 हेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 3 वाले ऑल है, तो यहां से स्टार्ट हो 3, मैथ्स फिजिक्स वाले बोलो नो, तो 6 बचेंगे ओवरऑल 9, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स 4 तो 1, मैथ्स केमिस्ट्री 5 तो 2, पता है ना तरीका, अरे भाई आपको बोला ऑल 3 बेटा ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, अब ऑल 3 पर मैथ्स और फिजिक्स के टोटल है कितने लोग, 9 लोग, तो 3 ही आ गए तो 6 ही बचेंगे ना, 6, ऐसे ही मैथ्स एंड केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हैं कितने मैथ्स एंड केमिस्ट्री के, कितने, ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री का फिगर है ये वाला 5, तो 3 2, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने 4, तो 3 आ चुके हैं तो 1 बचा, अब मैथ्स वाले कितने हैं बताओ। अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या देख लेते, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टेकन ओनली फिजिक्स, द नंबर स्टूडेंट हुज टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, ठीक है, कंसीडर द 2, 3 क्वेश्चन थे ना, तीसरा पर देखते हैं। अब पहले बताओ कि ये बेटा आपने ऐड किया 6 + 3 9 + 2 11, तो मैं कितने बचे 4, क्योंकि ओवरऑल 15 होना चाहिए, फिजिक्स पे आओ 12, 9 + 1 = 10 तो 2, अब इस पे आओ 5 + 1 = 6, केमिस्ट्री के 11 5, अब ये पूरा एक वेन डायग्राम बन गया। अब आपके पास 25 स्टूडेंट हैं, इस सबको ऐड करो जरा कितना होता देखना, 6 और 4 10 2 12 12 और 17 और 5 कितने हो रहे, अरे फिर गिनो ना, 4 + 6 10 + 2 12 14 17 18 5 23, तो 2 ऐसे भी होंगे जो जो आउट ऑफ द वे होंगे, आउट भी तो होते हैं, हो सकता है 2 स्टूडेंट ऐसे जो मैथ साइंस फिजिक्स के ना हो, कॉमर्स वाले होंगे या कोई और सब्जेक्ट के होंगे,
ठीक है, अगर ये 25 होते तो मतलब जितने बच्चे हैं उतने का डेटा दिया, अगर पूरे नहीं है तो डेटा, अब एक इसमें इतने करने में पर तीन क्वेश्चन एक साथ होंगे आपके। अब देखिए क्या क्या बोला है, नंबर वन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स टू हो गया, फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली टू सब्जेक्ट, ओनली टू मतलब ये सिक्स टू एंड वन, तो सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन, ओनली टू वाले, ओनली वन वाले बोलते तो फोर प्लस टू सिक्स प्लस फाइव इलेवन, समझ में आ रहा है राहुल? ठीक है, आप बताओ क्या हो जाएगा इसमें, ये दूसरा भी खत्म, थर्ड पे आ जाओ मतलब 33 नंबर के क्वेश्चन पे, ये 31 से 33 था, 33 क्या देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टेकन ओनली वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू वन सब्जेक्ट हुज टेकन ओनली टू सब्जेक्ट, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टेकन ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट वाले कितने, फोर प्लस टू प्लस फाइव इलेवन, अब उसके साथ क्या बोला है देखो, इज इक्वल टू वन स्टूडेंट हुज टेकन ओनली टू सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट वाले कितने हैं, नाइन है, तो है क्या इक्वल, नहीं है, टू सब्जेक्ट वाले नाइन है, तो पहला स्टेटमेंट गलत, अब पहला गलत तो अब हम एक चीज समझ सकते हैं, ओनली वन नहीं, सी बोथ वन एंड टू भी रॉन्ग, अब या तो बी बॉम्बे होगा टू ओनली या फिर डी दिल्ली होगा, दो आंसर रिजेक्ट, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टेकन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट इज फोर टाइम द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टेकन ऑल थ्री सब्जेक्ट, तो ऑल थ्री सब्जेक्ट वाले थ्री हैं और ये इसका थ्री टाइम है नाइन, फोर टाइम नहीं है, तो क्या हो गया आंसर, नाइदर वन और टू। यस 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 यस, सॉरी 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 सॉरी, टू देखिए इसमें टू में क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टेकन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट, एटलीस्ट टू बोला है, तो एटलीस्ट टू में थ्री भी आएंगे, तो एटलीस्ट टू वाले ये पूरे होंगे, इनको गिनो कितना, एटलीस्ट टू बारह, और हुज टेकन ऑल द थ्री फोर टाइम, बिल्कुल सही है, ये थ्री का फोर टाइम है, तो ओनली टू करेक्ट है, सॉरी एटलीस्ट बोला है टू, एग्जैक्टली टू नहीं बोला है बल्कि एटलीस्ट टू बोला, चलिए ये थ्री क्वेश्चंस आपने केवल एक वेन डायग्राम से कितने इजीली कर लिए, देखिए आप देखिए नेक्स्ट आते हैं, और देखिए सबसे पहले आप कभी भी पेपर दो स्पेशली एनडीए आने वाला, तो आप ये ऑब्जेक्ट रखो कि पहले हम 50% राइट पेपर करें फिर सोचेंगे बचे हुए क्वेश्चन का, ये एनर्जी और ये थॉट के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे। अब देखो नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन भी देखें तो बाइनोमियल के सिंपल है, कर सकते हैं स्कैनिंग राउंड में, स्कैनिंग राउंड वाला ही है, क्या क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन इन द एक्सपांशन क्या है, एक्स क्यूब 34, 35, 36, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर एन, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ कोफिशिएंट, द सम ऑफ कोफिशिएंट एक्स पावर 5 एंड एक्स पावर 10 इज जीरो, व्हाट इज एन इक्वल, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, एन के बिना कुछ होगा नहीं, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टू मिडिल टर्म, टू मिडिल टर्म के कोफिशिएंट का सम। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, एक्स पावर 5 और एक्स पावर 10 के कोफिशिएंट का सम जीरो बोला है, ठीक है, उससे हमारे को एन मिल जाएगा, कैसे बता रहा हूं, अब सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि कभी भी ए एक्स पावर पी प्लस ये सब फाउंडेशंस की चीजें हैं एन, इसमें आपसे बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जेड, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कौन सा टर्म होगा, जेड इक्वल टू एन माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर, इससे मिलेगा आर, और ये आर यहां पुट कर दो, ये आर यहां पुट कर दो, अब इसका कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 5 लेना है और कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर क्या लेना है, 10 लेना है, ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 5 क्या होगा बोलो, तो आप बोलोगे n माइनस आर इंटू 3 माइनस 2r इक्वल टू, अभी z लिख लो आप, ठीक है, इक्वल टू z, तो अब ऐसा बन जाएगा z इक्वल टू 3n
माइनस थ्री आर माइनस टू आर बोलो, माइनस फाइव आर, ठीक है। एक बार इसको 5 से इक्वेट कर दो क्योंकि कोफिशियंट ऑफ 5 बोला है, तो 5 इक्वल टू 3n माइनस 5 आर, तो 3n इक्वल टू बोलो 5 प्लस, तो n इक्वल टू 5 बाय 3 1 प्लस, ये आ गया। ऐसे ही एक बार इसको 10 से कंपेयर कर दो, करो 10 से कंपेयर, तो 10 इक्वल टू बोलो 3n माइनस, अब इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, मैं वैसे अभी अपन ने स्टार्ट कर दिया पर बाद में भी कर सकते थे, तो बोलो 10 प्लस 5 आर इक्वल टू, तो n इक्वल टू बाय r, एक्चुअल में r निकालना होता मैंने n लिख दिया, आपको ऐसा लिखना था 5 आर इक्वल टू 3n माइनस 5 देन r इक्वल टू पॉन, और यहां पर क्या लिखना था, r इक्वल टू 3n माइनस 10 अपॉन 5। देखो एक बार फिर समझो, यहां तक x पावर 5 x पावर 10 के कोफिशियंट का सम दिया 0, मतलब इसमें जो भी होगा x पावर 5 का कोफिशियंट जो होगा और x पावर 10 उन दोनों का सम दिया 0। ये फॉर्मूला होता है ax पावर p प्लस bx पावर q होल पावर n, या माइनस हो तो भी यही होगा। अगर कोई कोफिशियंट निकालना हो तो कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर जेड के लिए, इससे डायरेक्टली आर मिल जाता है। तो एक बार मैंने पहले इस फॉर्मूले को बनाया, एन माइनस आर इंटू ये थ्री है, ये ऊपर गया तो माइनस टू हो गया। अच्छा बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है, इसका मतलब है एक टर्म प्लस का होगा, एक टर्म माइनस का होगा, एक टर्म प्लस का होगा, एक टर्म माइनस का होगा, यस और नो। अब आपने एक बार कंपेयर किया किससे, फाइव से, और एक बार कंपेयर किया किससे, फाइव से, और इसी को एक बार कंपेयर किया टेन से, दोनों के आर निकाल लिए। अब एक्स पावर अगर मैं बोलूं 5 का कोफिशियंट क्या होगा, तो आप यही बोलते हैं ना, ये मान लो ये आया, तो क्या बोलते हैं, एन सी थ्री एन माइनस 5 अपॉन 5। ऐसे एक्स पावर 10 का कोफिशियंट क्या बोलते हैं, एन सी थ्री एन माइनस 10 अपॉन 5, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव अब चलते चलेंगे, तो एक होगा कैसा, पॉजिटिव, तो एक कैसा होगा, अब इनका सम जीरो दिया, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब एन सी थ्री एन माइनस 5 अपॉन 5, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना, एन सी माइनस 10 अपॉन, अब एन सी एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन आप बाद में कर सकते थे, ये स्केलिंग राउंड वाला क्वेश्चन नहीं है, पर अब ले लिया इसलिए मैं करवा रहा हूं, एन इक्वल टू एक्स, पर आप बीच में भी अगर आपको लग रहा हो ना टाइम, तो छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। अब ये कितना हो गया, 3n माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल टू, वो सॉरी प्लस 3n माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू बोलो n, तो 6n माइनस 15 इक्वल टू 5n, देन n इक्वल टू 15, इनकी वैल्यू क्या आ गई 15, तो पहला क्वेश्चन जो था वो हो गया n की वैल्यू 15, अब n 15 आ गया, अगला टर्म आपसे क्या बोला है इंडिपेंडेंट, तो ये जो मेहनत की है छोड़ना नहीं है, ये हर बार एक ही बार बनना है, इंडिपेंडेंट टर्म है तो यहां क्या लिख दोगे जीरो, तो जीरो इक्वल टू बोलो n कितना 15 बोलो 45 माइनस 5 आर, तो r इक्वल टू 9, r इक्वल टू 9 मतलब 9 प्लस 1 टर्म, तो सबसे पहले तो 9 प्लस 1 टर्म का मतलब क्या होगा पहले बताओ, नहीं r जो आता है उसमें प्लस 1, ये फॉर्मूला tr प्लस 1 से बनता है, तो 9 प्लस 1 यानी 10 टर्म ही होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा 15 सी 9, और आगे क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये ऑड साइन है, अब माइनस वाले आंसर देखो कितने, दो आंसर है सी और डी, तो कंफर्म होगा और बी रिजेक्ट। अब इसको 15 सी 9 को सॉल्व करो, तो 15 सी 9 किसके इक्वल होगा, 15 सी 9 होगा 15 सी 6 के, तो बोलो 15 14 13 11 इंटू 10 अपॉन 6 5 2 1। अब इसमें भी पूरा मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, आखिरी में सी में 5 है एक आंसर में, 5005, और एक आंसर में क्या है, एक में जीरो एक में 5 है। अगर यहां पर कोई जीरो बच गया, जैसे आप देखो 5 और 2 से 10 पूरा पूरा कैंसिल, ठीक है समझना ध्यान से, 6 से ये 2 टाइम कैंसिल, 3 से ये 5 टाइम कैंसिल, तो 5 इंटू 2 एक जीरो आएगा ही आएगा, तो आंसर क्या होगा डी दिल्ली, क्या दिया आपको एक मिनट चेक कर लो जरा,
देख लो ना एक बार से, देखो 15 था, 14 था, 13 था, 12 था, 11 था और क्या था 10, नीचे नीचे क्या गया 6 5 3 2 1, हाँ एक 4 नहीं लिखा सॉरी इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है एक 4 लिखना, कहीं मिस्टेक, ये बिल्कुल सही टेक्निक्स होती हैं, ये 10 से पूरा 10 कैंसिल, ठीक है 3 से 6 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये 7 टाइम और 3 से ये 5 टाइम। अब इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 2 आ रहा हो, तो इसका मतलब एंडिंग में 5 आएगा और दिख भी रहा है 5 है, तो करेक्ट आंसर इज सी। अब देखो मैं बाई चांस नीचे 4 लिखना भूल गया था, इसलिए जैसे ही 4 लिखा आपको समझ में आ गया, तो आप पूरे मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ 2 मिडिल टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ 2 मिडिल टर्म। अब पावर 15 है तो मिडिल टर्म कितने होंगे, टोटल सम होंगे 16 नंबर, तो 8 और 9 मिडिल टर्म होंगे, तो 8 और 9 का आपको क्या बताना है सम, 8 और 9 तो एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, तो बताओ क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि एक 8 और 9 ना, तो आप ऐसा लिखोगे 15C7 प्लस 15C, एक माइनस का होगा ये वाला और ये प्लस का होगा, और ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल है, तो आंसर इज 0। पर फिर भी इस क्वेश्चन को आप बाद में चाहो तो कर सकते थे, ट्रिक फॉर्मूला जरूर लिख लो, और अब क्योंकि मैंने उठा लिया था इसलिए कर दिया आपके साथ। 15C9 क्योंकि आर निगेटिव है, 15C9 क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ऐसा है बेटा, a प्लस मान लो a माइनस बी की पावर n है, तो इसका जनरल टर्म होता है माइनस 1 की पावर n c r, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, तो ये निगेटिव हो, ये ऑड है इसलिए माइनस आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीआर पे बेस्ड है, सिंपल है, कर सकते हो पहले राउंड में। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, गिवन दैट एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1 इक्वल टू 1/2, ऐसे ही एक चीज गिवन है एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसी इक्वल टू 2/3। अब आपसे पूछा है व्हाट इज आर, फिर एक और पूछा है 39 कि एनपीआर अपॉन एनसीआर, अच्छा एनपीआर अपॉन एनसीआर तो हमेशा ही क्या होता है फैक्टोरियल आर, तो फिक्स है, तो आर पता होगा तो सब। अब इसमें चाहो तो एन और आर पुट भी कर सकते हो ऑप्शन से, पर उसकी जगह मेथड से भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, इन दोनों में अगर 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है तो रिजल्ट होता एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ये उल्टा दिया, नीचे बड़ा दिया ऊपर छोटा दिया, आप चाहो तो ऐसे उल्टा सोच के लिख लो या इसका रिवर्स लिख दो। अब यहां बोलो आर क्या है, आर प्लस 1, तो आप क्या लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1, आप ऐसे बोलने की आदत डालो कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्या बोलना है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, अब जो बड़ा है उसे आर बोलते हैं, तो ये पूरा आर प्लस 1 है, दिस इक्वल टू कितना, मतलब आर प्लस 1 अपॉन बोलो एन माइनस आर इक्वल टू 1/2, यस और नो, दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है ऐसे, इसमें अगर लिखूं तो देखो ये बड़ा है तो बोलो आर प्लस 2 अपॉन एन माइनस आर, तो आर प्लस 2 अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू, अब मेरे पास दो तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वेशन सॉल्व कर लूं या इसमें ऑप्शन रख दूं, वो ज्यादा जल्दी हो सकता है। मान लो आपने कहा कि ऑप्शन एक 37 में अगर बोलो आपने कहा 11 है आर का, या चाहो तो ऐसा कर लो, देखो 2R प्लस 2 इक्वल टू एन माइनस आर, यानी 3R इक्वल टू 2 प्लस
यस और नो, यानी एन ऐसा होगा जो थ्री का मल्टीपल, जैसे यहां पर अगर मान लो आपने ए में 11 रखा, नहीं होगा, 12 रखो, कहां पर बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, यार इधर आया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं एन एक ऐसा नंबर होगा जो माइनस टू होने का थ्री का मल्टीपल हो जाए, जैसे आपने 11 रखा, रख सकते हो, 11 माइनस टू होता है 9, 12 नहीं रख सकते, 12 माइनस टू होता है 10, 13 भी नहीं रख सकते, 14 भी नहीं रख, 14 रख सकते हो, 14 माइनस टू, तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, 11 की और एक 14 की। अब उधर भी जाना है, वो भी एक इक्वेशन है ना भैया, मेथड 3r प्लस 6 इक्वल टू बोलो 2n माइनस 2r माइनस 2, तो बोलो n इक्वल टू 5r प्लस 8, या ऐसा भी बोल सकते हो 5r इक्वल टू 8। अब n जो भी रखो उसमें 8 सबट्रैक्ट होने पे 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मान लो n 11 होता तो करो 11 टू जा 22 माइनस 8 नहीं 14 रखो, तो करेक्ट आंसर इज 14, n इक्वल टू 14। अब n 14 है तो r कितना है, 14 माइनस टू 12, तो r हो गया 4, और r 4 हो गया तो आपसे अगला क्वेश्चन बोला है फैक्टोरियल 4 यानी 24। एक समय में तीन क्वेश्चन एक साथ कर लिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही सकते थे, एक बार और बता देता हूं बेटा, ये केवल एक सिंगल फॉर्मूले बेस्ड है, आप नोट भी कर लो, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, मैं इस बेटा आर बोल रहा, देखो पहले भगवती, तो एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, क्लियर है बात, ये इस पे बेस्ड है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि ऊपर n प्लस आर होता, एन सी आर प्लस 1, तो मेरे लिए ये r होता, तो अब मैं ऐसा लिखता n माइनस, मैं इसलिए इसको पूरा ब्रैकेट लिख देता प्लस 1 अपॉन r, मान लो ऐसा होता एन सी आर प्लस 2 अपॉन एन सी आर प्लस 1, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो मैं लिखता n माइनस r, तो ये दो इक्वेशन आपको दी थी, बस ये नीचे वाला जाना था ऊपर वाला बनता, आप या तो उसको रिवर्स लिख दो या जो चीज ऊपर लिखी है वो नीचे लिखी है ऊपर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दो, और इनसे दो इक्वेशन बना के एन और आर को सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट करो। हाँ मैंने रिवर्स लेके कर दिया था, मैंने इसको क्या करा था, आर प्लस 1 ऊपर लिख लिया था, क्योंकि इसको ऐसा सोचो ना, अगर ये ऐसा लिखा होता तो मैं ऐसा लिखता, मैंने ये करा, तो पहला था एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, तो आर हमारे लिए ऑब्जेक्ट था, तो वो था ये, देखो ये आर प्लस 1 है और ये आर, ऐसे में कंफ्यूजन हो तो मैं बताऊं क्या करना चाहिए, आप ऐसा लिख लो ना एनसीआर प्लस 1 अपॉन इक्वल टू 2:1, रेशो बदल लो, पहले ही लिखो ही ऐसा कॉपी में, क्या दिक्कत है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4040, क्या क्वेश्चन है 40 समझिएगा और देखिएगा, 40 क्वेश्चन में बोला गया है द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, नहीं 40 के पहले एक 39, अच्छा 39 तो गया 40 देखिए, और देखो आपको लाइन से सिंपल मिलते जा रहे हैं, एक बाइनोमियल थोड़ा सा लेंदी था, बाद में कर सकते थे उसको, है ना, तो पहले कंफर्ट जोन वाले क्वेश्चन करो जिसमें आप जल्दी से स्कोर कर सकते हो कम टाइम में, फिर उन क्वेश्चन पे आओ, कई बार उलझ जाते हो इसलिए पेपर में स्कोर कम होता है, और अभी कोशिश यही करना है कि हर संडे जो इतने सारे बच्चे हैं इसमें टेस्ट देते समय, बाद में तो आपके एक हफ्ते में 3 होंगे टेस्ट आखिरी 2-3 वीक में, तो इतना परफॉर्मेंस आ जाए कि आप एनी आउट 70 क्वेश्चन राइट करके आओ, 80 राइट करके आओ। देखिए 40 क्या, सुनिए, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 3 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये सिंपल क्वेश्चन है किसका, ट्रिग्नोमेट्री, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3, इसको आप वन रूट मत लेना, इसका 1/√3 का स्क्वायर ही लिखना, नहीं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गड़बड़ होने लगते हैं। अब इसमें ये सिंगल फॉर्मूला लगेगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा
इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक्स ये इसको लिखोगे टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू स्क्वायर पाई बाय सिक्स, देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय सिक्स। सी फिर 41 क्वेश्चन में तो आपसे बोला है वैल्यू ऑफ कॉस 36, तो आप इसे याद रखें, आप कुछ चीजें याद रखें जैसे साइन 18 कॉस 18, तो अपने आप ही 10 18 याद हो गया। अच्छा साइन 18 किसके इक्वल होगा, कॉस 72, साइन 72 कॉट 72, ऐसे कॉस 30 साइन 36 कॉस 36 साइन कॉस 54 के इक्वल होगा। ये वैल्यू याद रखिएगा, अक्सर डायरेक्टली पूछी जाती है, 22 एंड हाफ वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा 41 में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए 42 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑक्सीलेट माइनस वन एंड प्लस वन। अब ऑप्शन पे जाओ, मैं जब भी ये टू स्टेटमेंट फॉल्स बोलते हैं मैं ऑप्शन जरूर जाता हूं, ओनली वन बी ओनली टू, ओनली टू रॉन्ग क्योंकि वन तो करेक्ट हो ही गया, सी पे आए बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉर टू, डी भी रॉन्ग क्योंकि नाइदर नहीं हो सकता, तो बी और डी खत्म। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, कॉस थीटा ऑक्सीलेट बिटवीन जीरो एंड वन, नो कॉस थीटा भी माइनस वन प्लस वन में, तो ओनली वन इज अ राइट आंसर, ओनली वन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन आते हैं 43। अब देखो एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन वन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी क्वेश्चन आए तो डोमेन और रेंज पे बेस्ड होता है, केयरफुल रहना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बेसिकली सजेशन दूंगा, आप सेकेंड राउंड में कर सकते हैं, ठीक है, पर फिर भी अभी बता रहा हूं मैं आपको। अब इसमें बोला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको ये पता ये होता है x प्लस y अपॉन, पर इसमें कंडीशंस भी लगती हैं कि एक्स वाई ग्रेटर देन है या एक्स वाई लेस देन वन है, दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। आप समझिएगा इन क्वेश्चन की टेक्निक्स, क्योंकि tan इनवर्स x की अकेले पूछूं तो डोमेन होती है माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, और रेंज होती है 2 से π/2, यानी इसका आंसर भी -π/2 से +π/2 होगा इसका भी। अब कंफ्यूजन होने की केस में मैं आपको बताता हूं, एक्स वाई ग्रेटर देन वन मतलब जब भी हो सकता है, मान लो x 2 है और y 3 है मान लो, तो अब मैं आपसे बोलूं कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 क्या होगा, दो क्वेश्चन एक साथ समझा रहा हूं, तो आप लिखते 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो आप लिखते हैं tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, आप लिखते हैं tan इनवर्स माइनस 1, पर ये माइनस 1 लिखने के बाद भी अगर अलग से क्वेश्चन ऐसा होता है, सब चीजें मैंने फाउंडेशन के समय बताई थी आपको, जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे तो ये सब कोर्स में भी बताई थी, उसमें भी आपको बताया ना साइन tan इनवर्स माइनस 1 अगर बोले तो -π/4, tan इनवर्स 1 बोले तो π/4, पर ये भी बताया था कि ये इन दो से मिलकर बना है। अगर केवल tan इनवर्स 1 आपसे पूछा जाए तो आप बोलते हैं π/4, ये 2 है यानी ये ग्रेटर देन π/4 है, बताया था ना, याद है एक क्वेश्चन और था tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जिसका आंसर आप पाई बोलते थे, याद हो तो ये, क्योंकि ये तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम है जिसका आंसर पाई बोलते थे, मेथड से निकालते थे तो 0 आता था, ये हमने करा है क्योंकि tan इनवर्स 0 इक्वल टू अलग से, क्योंकि ये एंगल π/4 से बड़ा है, ये एंगल भी π/4 से बड़ा और ये भी, ये कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, तो ऐसे ये जो है ये π/4 से बड़ा है पर π/2 से कम है, तो अब 1 कब हो सकता है, अगला 3π/4 पे, तो इसका आंसर होना चाहिए था एक चीज। तो एक्चुअल में जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे प्रूफ होता है, पाई माइनस पाई प्लस, तो क्या होता है कि पाई प्लस आप इसे ऐसा लिखते हो, पाई प्लस इसकी एंगल हो गई -π/4, तो ये कितना आ गया, ये हो जाता है,
ये लॉजिक है। अच्छा, अगर इसमें एक्स वाई लेस देन जैसे 1/2, 1/3 ले लो तो ये फॉर्मूला नॉर्मल हो जाता, फिर पाई नहीं आता है, तो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई ये होता है। तो अब आप चाहो तो कंडीशन याद रख लो या आप ये लॉजिक, इसलिए मैंने बोला कि इनवर्स वाले क्वेश्चन को मेरा पर्सनल सजेशन है बाद वाले राउंड में करिए, पहले राउंड में कई बार अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं तो मिस्टेक हो सकती। पहले वन आर में कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना है, बस सिंपल क्वेश्चन करने, कोई क्वेश्चन में उलझ जाओ तो इमीडिएटली लीव, आगे बढ़ जाओ, पूरे 120 क्वेश्चन को रीच करना है। तो ये क्लियर है बात? देखो कंसेप्ट फिर बता रहा हूं इसका, आप पूछ रहे हो कि इसमें क्या कंसेप्ट है, समझो क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि 10 बस बेटा 1, ये पूरा डोमेन रेंज पर है, आपने को मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, 10 बस 1 होता है पाई बाई 4। अगर मैं कभी लिख दूं ना 10 बस 2 तो ये भी पाई बाई 4 से बड़ा होगा, 10 बस 3 लिख दूं सब पाई बाई 4 से बड़े होंगे, 4, 5 कुछ भी लिख दूं, 1 से छोटे होते हैं तो पाई बाई 4 से छोटा, पाई बाई 3 से ही बड़े होंगे, 10 बस √3 होता है पाई बाई 3, उससे भी बड़ा हो जाएगा, मैं तो एक टेंटेटिव बता रहा हूं। अब क्या होता है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आप इसे मेथड से कर रहे होते हैं तो या तो आप एक्स वाई ग्रेटर देन 1 की कंडीशनल फॉर्मूला याद रखें, ये होता ही कंडीशनल फॉर्मूला ये पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, या तो यही याद रख लो आप, और अगर एक्स वाई लेस देन 1 दिया तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है कि अब मान लो ना याद है तो मैंने आपको तरीका बताया कि x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 जब होगा, मान लो 1, 2, 1, 3 है तो इससे मिलके आता है -1, पर इसे -π/4 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 और 3 को अगर हम समझे लॉजिकली तो इसका एंगल π/4 से बड़ा, इसका भी π/4 से बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा आंसर होना चाहिए, तो 1 90 डिग्री के बाद कब होता है 3π/4 पे, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया लॉजिक से, फार्मूले से तो पाई और -1 फिर इस फॉर्मूले में लिखो तो कुछ नहीं देखना पड़ता, फिर पाई और -1 पे -π/4। अब देखो नेक्स्ट, और वैसे अच्छा होता है कि एनडीए में लगभग हम देखें तो 50-60% पेपर पहले राउंड में हो जाता है, बस आप अपना बेस अच्छा करो, फाउंडेशन अच्छा करो, एक बेस बुक पूरी करो, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इसको चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, पहले कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एन इंटू साइन स्क्वायर 67.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5 ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक तो ये है, दूसरा है इफ एक्स इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स इज एनी पॉजिटिव देन एन एक्स ग्रेटर देन 1 फॉर फॉर ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ऑल ऑब्लिक करेक्ट। अब एक बार बताओ ये वैसे लॉजिकली ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर 22.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5, यस और नो, कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक तरह से कॉस 45 है, नहीं स्क्वायर थोड़ी, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ही बेटा ये होता है, कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, ठीक है। अब n की क्या वैल्यू हो जिससे कि रिजल्ट ग्रेटर देन 1 मिले, 2 या 2 से बड़ा ये बोलना चाहते हैं आप, खुद भी देखो अगर मैं 2 रखूंगा तो 2/√2 √2 होता है, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अगर n 1 लो 1 ले लेते तो 1/√2 थोड़ी ग्रेटर देन 1 होता, तो ये पहला स्टेटमेंट कैसा है। अब पहला स्टेटमेंट ट्रू होने का फायदा, पीछे गए दो ऑप्शन खत्म, अब ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 नाइदर, अब ओनली 2 खत्म, डी ढेली खत्म। अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं हम, पहले लॉजिक समझ में आ गया। अब सेकंड है इफ एक्स इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर देन एन एक्स ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब एन एक्स ग्रेटर देन 1, एन आपको ऑलरेडी क्या दिया है 2 या 2 से बड़ा, और x क्या दिया है एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो एन x को क्या ले सकते हो, x को कुछ भी ले सकते हो, 1/4 भी ले सकते हो, पर 1/4 पे नहीं होगा तो ऑलवेज 2 नहीं होगा, तो क्या दिया इसका आंसर ओनली 1, क्योंकि भाई
आप समझो बात को, अगर x आपने 2 लिया और n भी 2 लिया तो ठीक है, पर x आपने कह दिया कि सर x 1 by 4 ले लूं तो ये भी तो पॉजिटिव रियल नंबर है, पर 2 और 1 by 4 करोगे तो ऑलवेज 2 नहीं होगा, इसलिए हम इसका ज्यादा करेक्ट आंसर क्या देंगे, ओनली 1। अब देखो 45 और 46 आइडेंटिटीज का क्वेश्चन टफ नहीं है, पर कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में देखें। अब नेक्स्ट देखो उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला सुनिए, 47 क्वेश्चन में बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट नो ट्राइंगल एबीसी फॉर विच साइन ए, ऐसा कोई ट्राइंगल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 45 लोग हैं तो उसको 90 लोग हैं, नहीं हो सकता, एंगल के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और वैसे भी आपको पता है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो अगर हम इसको के ए लिख दें, के ए ऐसा भी लिख सकते हैं ना साइन फॉर्मूले से, के ए प्लस के बी इक्वल टू के सी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू, ये ट्राइंगल में नहीं होता है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अच्छा नो लिखा है, हाँ नो लिखा है, सॉरी नो लिखा है तो एक स्टेटमेंट सही हो गया, तो ओनली वन या सी, मतलब ए या सी में कोई आंसर, दो आंसर रिजेक्ट इमीडिएटली। फिर है इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 देन साइड विल बी रेट, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको करवाया ये एंगल याद है 30, 60, 90, 1√3 and 2 वही दिया है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो 47 का आंसर हुआ बोथ 1 and 2 आर ट्रू। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगर हम नेक्स्ट बात करें 48, देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नंबर 1 साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, फॉल्स, बताओ क्यों, आप भले ही आप यहां पे 270 डिग्री रख दो है तो पॉजिटिव, पर रिजल्ट तो माइनस 1 है, तो ऑल फॉल्स हो गया, अब 1 फॉल्स है, ठीक है, अब 2 पे आए, 2 भी फॉल्स है, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, अब ये तो एंगल है, ये सही होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा क्या होता है, पर ये एक्स स्क्वायर है, हाँ एंगल नहीं है, ये ऐसा होता तो अलग बात थी, हाँ तो ये भी फॉल्स है, नाइदर 1 nor 2 बेटा, ये साइन स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा होता तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता, ये एंगल का स्क्वायर है, मैं आपसे बोलूं एक्स की जगह रख दो √3π/2 270 होगा निगेटिव, ये आपने 270 रखा तो ये पॉजिटिव है, पर साइन 270 की वैल्यू -1 कॉस की 0 निगेटिव आ गया, अगर ये ऐसा होता बेटा समझो, अब ये ऐसा होता तो ऑलवेज पॉजिटिव होता, समझे कि नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 49, आप देखो आप कितने आराम से कर पा रहे हो, आप उन क्वेश्चन की चिंता ज्यादा करते हो जो नहीं बन रहे, मैं हमेशा बोलूंगा उन क्वेश्चन की फिक्र करो जो बन रहे, जो बन रहा है वो आपके लिए काम के, जो नहीं बन रहा उनकी फिक्र करी तो आप समझ के चलो कि एक एनडीए और बढ़ सकता है। अब 49 देखिए क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप सीधा सीधा एलसीएम ले लो चाहो तो, हाँ ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा कि आप वैल्यू ले लें, और वैल्यू भी मैं बता रहा हूं क्या लेना है, sec a माइनस tan a 2 sec a tan a 2 sec a tan a, सुनो पहले क्या लेना है, ये ऑप्शन तो मैं आपको समझाने, आपको नहीं लिखना, पहले तो अगर हम इसमें वैल्यू ले तो 30 डिग्री लो, 90 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि साइन 90 1 होता है और 1 माइनस 1 0, हाँ एक वैल्यू ले सकते हो एक ही 0 डिग्री, 0 ली तो साइन 0 0 0 1 माइनस 1 0, हाँ अब बता रहा हूं, अब क्या दिक्कत हो सकती है, अब 0 रखने पे ये 0 हो रहा है, ये हो रहा है नहीं,
ये नहीं हो रहा, रिजेक्ट करो, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, और ये तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपको दो आंसर पर फोकस हो गया, अब आप इसलिए मैंने आपको बोला, अब 30 रख लो, 30 वन बाय टू होता है, तो 1 प्लस 1 बाय टू अपॉन 1 माइनस 1 बाय टू लिखना मत, 1 माइनस 1 बाय टू अपॉन 1 प्लस 1 बाय टू, 3 बाय टू अपॉन 1 बाय टू, 3, 1 बाय टू अपॉन 3 बाय टू बोलो, तो 10 बाय, सॉरी 3 माइनस 1 बाय 3 यानी 8 बाय 3। आप 30 रख के देखो, इसमें रखा 30, 2 sec 30 होता है 2 बाय रूट 3 और tan 30 होता है 1 बाय रूट 3, तो ये हुआ 2 बाय 3, हाँ 4 बाय 3, तो ये नहीं है, तो ये अगला हो गया, क्योंकि ये 4 टाइम्स है, खत्म। ये हुआ एंगल से, मेथड से करते हैं, तो एलसीएम लेके, पर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को एंगल लेके किया जा सकता, मैंने आपको बताया भी टेक्निक, सभी कर सकते हो, नोट करो। देखो मेथड से करते तो ऐसा लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट कंसम स्टेप लिखो, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब ये एक बात याद रखिए, छोटी छोटी चीजें जितनी याद होंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है डायरेक्ट, तो 4 साइन ए ओनली, ए तो 1 है अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 टेन ए इंटू सेक, ये हो गया मेथड, कोई ऐसा थोड़ी मेथड से टाइम लग रहा, मेथड से भी बहुत जल्दी हो जाएगा, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस पूरे पेपर के एनालिसिस का जो मैं अभी आपसे बोल रहा था, एक ही पर्पज है कि पेपर ऐसा भी लेवल क्यों ना हो, पहले आपको अपने फेवरेबल 50 से 60 क्वेश्चन ढूंढने आना चाहिए, और कोई भी साल का अभी तक का पेपर उठा लो आप ढूंढ सकते हो, इसलिए इतने बेसिक डिटेल से बता रहा हूं, और वही चीज आपको करनी है। अब देखो 50 और ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा बोलूंगा पहले राउंड में करना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाते हैं, कभी टफ नहीं आते, हाइट एंड स्ट्रेंथ भी टफ नहीं होता, पर फिर भी डायग्राम वगैरह बनाने में टाइम को बचाना तो बाद में कर सकते हो, अदरवाइज सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस करना चाहिए। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का सीधा कैलकुलस पे जाऊंगा, cot 224 माइनस cot 134, तो ऑब्वियसली आप इसे क्या लिखोगे, 180 प्लस 44, और इसे लिखोगे 180 माइनस 90 प्लस कर लो, तो 90 प्लस कर लो, तो अब आपने इसको लिखा cot को, बोलो 180 प्लस 44 माइनस cot, बोलो 90 प्लस अपॉन cot 226 दिया है, क्यों cot 180 प्लस 46 प्लस cot 360 माइनस 44, क्यों अभी हो गया कितना माइनस नहीं cot 44, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस tan 44, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, यहां बोलो cot 180 प्लस cot 46 माइनस 44, यस और नो, डन। अब क्या हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज कर दो, तो अच्छा इसको भी cot 46 को लिख सकते हो tan 44, तो पूरा एंगल 44 में हो गया, यस और नो। अब आपको एक चीज ये समझ में आ गया, cot 46 था ना, तो आपने लिखा cot 90 माइनस 44, अब सुनो ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, आपको याद हो मैंने पहली क्लास में क्या बोला था कि फर्स्ट थ्री फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, देखो आप, और याद रखो ये भी याद कर लो फॉर्मूला, tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू, आप ऐसा लिखते sin अपॉन cos माइनस cos अपॉन sin, एक तरह से sin स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन साइन कॉस, इसका माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉस टू थीटा अपॉन, यस और नो, बस आंसर मिल गया, ये होगा 1 अपॉन साइन 44 कॉस 44 अपॉन माइनस कॉस टू थीटा यानी कॉस 88
अपॉन साइन 44 कॉस 44 ये कैंसिल, ये हो गया माइनस सेक, माइनस सेक 88 की कोई दिक्कत नहीं, दिस इक्वल टू कॉस एक टू खत्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है और सुनिए समझिएगा। 51 क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 2 इज पाई बाय 2। भाई ये पाई बाय 4 है और ये पाई बाय 4 से कम है क्योंकि टेन इनवर्स 1 ठीक पाई बाय 4 होता है, तो एक पाई बाई फोर से कम है एक पाई बाई फोर है, तो पाई बाई टू कैसे होगा सम? बिना सॉल्व करे करना वो फॉर्मूला नहीं लगाना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। जैसे ही ओनली वन फॉल्स होता है आपके दो आंसर रिजेक्ट हो जाते हैं, ये सबसे खास बात होती है। आप सेकंड पे आए कि साइन इनवर्स ये ट्रू है बिना, इसको मैं आपको लिखता हूं, आपको पता है फॉर्मूला, अगर दोनों का एक्स सेम हो तो सीधा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। फिर फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ए प्लस बी प्लस सी दिया है पाई, पूछा क्या है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी, तो ए प्लस बी को लिख सकते हो पाई माइनस सी कॉस पाई माइनस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी जीरो। तो अब आप सोचो अगर आप थोड़ा सा अपने आप से इमेजिनेशन करो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में छूट गए और टॉप में उलझ गए, इन क्वेश्चन के लिए बहुत बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिक क्लियर होना जरूरी है। फिर आप 53 पे कॉस 20 कॉस 100 कॉस 140। अबे बताओ ये कॉस 20 है, ये इसको 180 माइनस भी लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आप इन दोनों में, इन दोनों में सीडी लगा लो, किसी में भी लगा लो, इसमें लगा लो, मान लो इसमें लगाया तो कॉस, सुनो सी टू कॉस सी प्लस डी बाय टू तो कॉस 60 और कॉस सी माइनस डी बाय टू कॉस 40। अच्छा इसको लिख सकते हो माइनस कॉस 40 कॉस 180 माइनस 40 से, ये 1 बाय 2 टू से 2 कैंसिल कॉस 40 से कॉस 40 कैंसिल आंसर विल बी जीरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 54। अब देखिए ये फॉर्मूले के समय मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोला था साइन इनवर्स का कभी भी कोई क्वेश्चन करो एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होना चाहिए, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, थ्री पाई बाई टू दिया डायरेक्ट लिख दिया थ्री पाई बाई टू एंड दिस इज रॉन्ग ऑप्शन है लिखा है, हाँ तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम गलत करके आते हैं फिर बाद में अफसोस होता है। पाई बाई थ्री पाई बाई टू है ना, कितना थ्री पाई बाई क्या लिखा है फाइव लिखा, अच्छा वही तो पाई टू पाई नहीं पाई पाई माइनस टू पाई बाई फाइव लिख लो, तो ये हो जाएगा आंसर ही कितना टू पाई बाई फाइव। अब देखिए तो ये जो इनवर्स वाला क्वेश्चन है ना इसमें बहुत कॉमन है जो इस तरह की मिस्टेक होती है, इसका ध्यान रखते हुए चलना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन और इजी है, साइन थ्री पाई कॉस फोर पाई टेन फाइव पाई, टेन हाँ स्क्वायर है तो भी टेन एन पाई हमेशा जीरो होता है। देखो एक बात याद रखो, साइन एन पाई या टेन एन पाई इज ऑलवेज एन कुछ भी हो, और कॉस एन पाई होता है माइनस वन की पावर एन, पर अगर पावर इवन हो तो प्लस होता है, तो आंसर हो गया वन, यस और नो। अगला क्वेश्चन देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब क्या क्या क्वेश्चन है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट, वैसे मैं बोलूंगा जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो इमीडिएटली कैलकुलस करना, ठीक है ना, कैलकुलस के जरा देखें एक मिनट क्वेश्चन, फिर पहले कैलकुलस पे देख रहा हूं फिर इस पे आ रहा हूं वापस। आप कैलकुलस देखो, आप पहले सबसे पहले 76 लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पावर n माइनस 1 अपॉन, आपको बताया था 1 प्लस
कि क्या लिखेंगे, अब जो टेक्निक्स ट्रिक्स बताई है फाउंडेशन में उन्हें यूज करोगे तो फायदा, नहीं तो थोड़ी फिर वैसे 1+nx मेंटली होगा -1/x बचा क्या n। अगले क्वेश्चन पे जाओ तो x अपॉन रूट टू साइन x बाय टू, x टेंस टू जीरो पे साइन x को x, तो x अपॉन रूट टू इंटू 1/√2 x भी बचेगा, तो ओवरऑल आंसर x बाय टू, तो ओवरऑल आंसर बोलो रूट टू। अब ये आप ये लगाओगे, सुनो अब मिस्टेक समझो, जैसे अंडर रूट आया लिमिट के समय ही बोला था, जैसे अंडर रूट आया क्या ध्यान रखना है मॉड आ जाएगा, बस ये भूले आंसर गलत, तो x अपॉन रूट टू इंटू मॉड x बाय टू होने से ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये अगर मान लो अंडर रूट नहीं होता तो यही आंसर होता, तो ये एक मिस्टेक है जो करते हैं, तो इसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट, हाँ इसीलिए तो माइनस प्लस करोगे तो एक बार प्लस मिलेगा एक बार माइनस मिलेगा। फिर देखो अंडर रूट नहीं होता, ओरिजिनल क्वेश्चन यही होता, ऊपर एक्स स्क्वायर होता फिर उस केस में, क्योंकि डिग्री सेम, क्योंकि अभी क्या है मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, सपोज थोड़ी देर के लिए आप पूछ रहे हो, तो आप ऐसा लिखते एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये एक्स स्क्वायर ये टू, ये एक्स स्क्वायर बाय फोर मिला तो टू आंसर आ जाता, अंडर रूट से निकली क्वांटिटी यही तो चीज आपको सिखाई जो आपको एग्जाम में काम आएंगी कि मॉड क्वांटिटी होती है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट, देखो 1+cos x / 1-, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है पर अंडर रूट लगा है, तो cot x by 2 का डिफरेंशिएशन पूछा है, -1/2 cos x square x by 2, फिर 79 हमेशा ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले करो, देन कैलकुलस करो, देन एलजेब्रा करो, देन उसके बाद कोऑर्डिनेट के पहले वेक्टर कर लो, वेक्टर जी होती है सबसे आखिरी में आओ कोऑर्डिनेट पे 0 to 1 पर डिपेंड ऑन क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन 1+x² tan इनवर्स x को t, 1/1+x² dx इक्वल टू dt, 0 पर 0 dt अपॉन e पावर t dt, बस तो e पावर t ही मिलेगा, e पावर पाई बाई 4 माइनस e पावर 0 ए ऑप्शन है ना। नेक्स्ट देखो 80, अब आप इतने क्वेश्चन में इतना करके आप एक कंफर्ट जोन में आ गए कि आप कट ऑफ को क्रॉस कर गए, इसलिए जो भी चीजें पढ़ो अच्छे से। अब देखो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, y इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलो साइन स्क्वायर x एट x इक्वल टू, पूछा क्या है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या करोगे dy by dx पूछा है, तो dy by dx बोलो 1/√1- इंटू साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin x, हाँ साइन 4x या सो नो, अब x की वैल्यू 0 रख दो तो ओवरऑल आंसर 0। नहीं लिख सकते या नहीं है ओवरऑल होता तो लिख पाते। नेक्स्ट देखो 81 मॉड फंक्शन हमने अभी डिस्कस किए थे, dy by dx इक्वल टू मॉड x, सॉल्यूशन पूछा है, तो एक्चुअल में किसका क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया y x मॉड x बाय 2, ये मॉड x का इंटीग्रेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, काय के लिए लीनियर से करना है, dy by dx देखो कर सकते हो लीनियर से पर क्यों करना है, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो dy by dx इक्वल टू 1-2y, तो dy अपॉन 1-2y इक्वल टू dx, बस log 1-2y
माइनस वन बाय टू इक्वल टू एक्स प्लस सी, और एक कंडीशन और दी है, यानी एक्स वैल्यू जीरो पर वाई भी कितना है जीरो, तो आपने एक्स की जगह जीरो रख दिया, वाई की जगह जीरो, तो ओवरऑल सी की वैल्यू जीरो, तो माइनस वन बाय टू लॉग इक्वल टू एक्स। अब एंटी लॉग वगैरह ले लो, आंसर आ जाएगा। करना है ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, दो आइटम्स, दो क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं, क्या दिए हो सुनो, सुनिए। कंसीडर द कर्व y इक्वल टू e पावर 2x, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 0, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 0, 1, ठीक है। तो पहले स्लोप बताओ क्या होगा, 0, 1, एक्स की जगह 0 रख दो तो 2 आ जाएगा स्लोप। फिर है वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व एट 0, 1 मीट द एक्स एक्सेस, तो मीट द एक्स एक्सेस बोला, तो एक्स एक्सेस पर पहले ये स्लोप कितना आ गया 0, 1 पे 2। पहले इक्वेशन निकालो, y माइनस वन इक्वल टू 2 इंटू, अब कहां पर मीट बोला है, मीट द एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस पर जो मीट करेगी y की वैल्यू, y 0, तो x क्या हो गया 1 माइनस 1 बाय 2, तो एक ही है माइनस 1 बाय 2। यस और नो, क्या ये सर y 0 पे सही नहीं है, ये गिवन था क्वेश्चन में, हां सर x की वैल्यू 0 पर y भी 0, तो x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, log 1 0 और ये भी 0, तो c की वैल्यू 0 निकल गई, बस c की जगह वापस 0 रख दिया, तो आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व पे बेस्ड है, स्टैंडर्ड है बट बाद में कर लेना, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। फिर देखो 87, 88, अब 87 देखिए 87 आपने कई बार करा है, I1 पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 प्लस रूट 10 एक्स एंड I2 इज पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 3 रूट साइन एक्स प्लस रूट। अब सुनो ये भी, ये दोनों सेम है क्योंकि इसे भी साइन कॉस में चेंज लिखेंगे, तो I1 इक्वल टू, अब I1 माइनस I2 पूछा है 0। अच्छा I1 भी पूछा है, तो एक प्रॉपर्टी बताई थी A2B, ये सब प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाए हुए, अगर आपने जो नोट्स बनवाए वो याद करके मतलब देख के गए, तो एक भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं होगा जो ना बने, बी माइनस ए बाय टू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, तो पाई बाई 12। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है और समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन हैं, fx कंसीडर द फंक्शन fx इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का, वेयर x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, एफ पाई बाई 2 कितना दिया है लैम्डा, मतलब और जबकि ये किस पर डिफाइंड नहीं है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है एक्चुअल में, हाँ 0/0 की फॉर्म है, अगर आप पाई रखते हो तो एल हॉस्पिटल से कर सकते हो, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसको माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू पाई माइनस 2x इंटू माइनस 2, तो ये एक तरह से जाएगा कॉस एक्स अपॉन 4 इंटू पाई माइनस 2x, अभी भी पाई बाई 2 रख दू तो 0/0 की फॉर्म अभी भी है, एक बार और कर दो माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 8। अब किस पे पूछा है, हाँ माइनस से माइनस, अब पाई बाई 2 रख दो, पाई बाई 2 1/8, तो लैम्डा 1/8। यस और नो, दोनों क्वेश्चन होगा एक साथ, एक्स टेंस टू पाई बाई 2 पे भी 1/8
और वो बोला लैम्डा इफ द फंक्शन कंटिन्यूअस तो भी कितना, 1/2, दोनों रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर देखो 91 देखो 91 में बोला है F9 = 9, F-9 इज ऑल्सो, देन वॉट इज द लिमिट एक्सटेंस टू 9, रूट FX -3/√x, और एक्सटेंस टू 9 पे पूछा। आप सुनो 9 रखो यहाँ, F9 तो 9 एल हॉस्पिटल तो डिफरेंशिएट करना है बस, इसका करोगे 1/√ इनटू F-X / 1/√x, x की जगह क्या रख दो 9 रखा तो F-9 कितना है 4/√2 × 3/1/√2 × 3 कैंसिल, तो क्या बच गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो 50 से 60 क्वेश्चन आपने कर लिए, ये चीज अगर आपके दिमाग में आ गई ना, बस इस चीज को पकड़ के चलो, पहले वो 60 क्वेश्चन ढूंढना जो कि कंफर्टेबल, जिसमें आप इजीली कर सकते हो। अब देखो अगला प्रॉपर्टी बेस्ड है, -π/2 से π/2, सुनो x sin x dx, पहली चीज ये कि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो दो ऑड फंक्शन से इवन, तो ये आप डायरेक्ट लिख दो 2 × 0 to π/2 x sin x, और आप बाय पार्ट लगा दो, और बाय पार्ट में मैंने बोला था पूरा इंटीग्रल करना उसके बाद लिमिट रखना नहीं, तो बोलो -x cos x + sin x 0 to π/2 रखा ये 1, और 0 रखा तो ये भी 0, ये भी 0, तो 2 इज राइट आंसर है ना। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, यहां पे dx होगा dy, हाँ वो क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है, बोलना करेक्शन क्या है, y dx, y x dy माइनस y इक्वल टू y स्क्वायर, ये है, इसको आप ऑप्शन से कर लो, जैसे आपने कहा x इक्वल टू सी वाई, बी क्या है y स्क्वायर इक्वल टू सी क्या है x + cy = 0, और d ना ने किससे करना है करके देखो, ऑप्शन को डिफरेंशिएट, ए बी को मत करो, ए बी दिख ही रहा नहीं हो सकता, सी के चांस है, इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले से ऐसा लिख लो x + xy / y = c एंड देन डिफरेंशिएट करो, y इनटू बोलो 1 + पूरा ही होगा ना, चाहो तो उसमें एक अलग भी लिख सकते हो ना, या ठीक है y इनटू बोलो 1 + x dy/dx + y - x + xy / dy/0 क्रॉस करोगे अपने आप ही यही आएगा, फर्स्ट टू में दिखने के कोई चांस ही नहीं है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 94 पे, सबसे पहला टारगेट किसी भी पेपर को देख के 50 से 60 क्वेश्चन निकाल के लाना जो बन सकते हैं, और वो बनेंगे अगर बेस अच्छे से बनाया है, बेसिक जो अपन ने पढ़ा है पूरा इतना, उन बस नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, बनेंगे वो, एक बार बन गए अपने आप पेपर सॉल्व होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो क्या दिया था, फंक्शन fx = 94 है ये, fx = x^(1/3) इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्सेप्ट 0 पर, ये तो ऑलवेज कंटिन्यू होता है, एक्सेप्ट नहीं लगता, x^(1/3) ऑलवेज कंटिन्यू होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि उसमें एक्सेप्ट लिख दिया। दूसरा fx = अभी पूछा था आप लोगों ने x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये केवल कंटिन्यूस होगा, केवल इंटीजर पे नहीं होता, नहीं नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट वेयर दिस इज ब्रैकेट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो करेक्ट आंसर इज ओनली टू इज करेक्ट। 2.99 पे पूछा है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 3 पे पूछा होता, 3 पे पूछा होता बेटा, तो 3 पे ठीक 3 मिलता, 3+h पे भी 3 ही मिलता, बट 3-h पर 2 मिलता, पर 2.99 प्लस और 2.99 पे 2 ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा नंबर ऐड करते हैं
और बहुत ही छोटा सा नंबर, तो दोनों के इसमें दो मिलेगा। ठीक, ब्रेकिंग पॉइंट पे ब्रेक होता है, मतलब इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक होता है। फिर अगले पेज पे आओ जरा, 95 भी वैसे ही है। अब सुनो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड क्या पढ़ाया है, अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होते, इसका ब्रेकिंग पॉइंट है जीरो, जीरो पे नहीं होगा। अब पर उन्होंने बोला है फंक्शन नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू वन, रॉन्ग हो गया, ये केवल जीरो पे नहीं है, तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग, दो आंसर खत्म। स्टेटमेंट टू, एफ ई की पावर एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये टू अकेला ओनली थोड़ी वर्ड लिखा है, ओनली टू, ओनली टू पे नाउ 96 पे कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बोनस होती है। कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री पर बनती कब है, जब जब ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले क्लियर हो, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लियर होते हैं तो कैलकुलस इजी हो जाती, इसलिए रिलेटेड चीज है। इसलिए जब भी मैं आपसे बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही कैलकुलस पढ़ना, पहले नहीं पढ़ना। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो जरा 96, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या दिया है, देन व्हाट इज, तो पहले ये बताओ क्या होगा, तो एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर, फिर निकाल लो एक्स की पावर फोर, इसका डिफरेंशिएशन तो फोर एक्स क्यूब, क्लियर और नॉट। कर रहे थे सब क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर, गुड। देखो नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन, अब पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द, अब एक सीधा लॉजिक है, अगर एक्स की जगह जीरो रख दो तो वन, और एक्स की जगह वन रख दो, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन, वन बाय थ्री, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, एक मिनट हाँ, वन और माइनस वन दोनों देखना पड़ता है क्योंकि माइनस एक्स दिया, माइनस वन रखो, वन प्लस वन प्लस वन अपॉन वन माइनस वन प्लस वन, दिस इज थ्री, थ्री मैक्सिमम वन बाय थ्री मिनिमम। आप पूछा आप ये क्यों किया, क्योंकि नीचे वैल्यू स्क्वायर प्लस समथिंग है, एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों में सेम है, केवल क्या है प्लस एक्स और माइनस एक्स, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ऐसे केस में एक ही नंबर जिसका स्क्वायर सेम होता है वन या माइनस वन, तो इसलिए तीन वैल्यू रख के देखना है। बाकी अगर मेथड से करते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेट जीरो एंड फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, बहुत से टाइम लग जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100, देखो क्या है 99 एंड 100, 99 एंड 100 में देखो क्या बोला है, एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इंफिनिटी बाय एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस वन टू टू टू, ठीक है, तो आपको टू पे ब्रेकिंग है इसका, तो टू पे ही देखना है, ये दोनों ही पॉलिनोमियल इक्वेशन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियबल है, केवल टू पे देख लो, एफ टू पे ये वाला टू होगा, टू माइनस टू टू प्लस एच पे ये वाला, थ्री इंटू टू प्लस एच माइनस टू प्लस एच का बेटा, अब अगर मैं एच की जगह जीरो रख दू सिक्स माइनस फोर टू, और ये कितना है इक्वल है, टू पे कनेक्ट नहीं हो रहा फंक्शन, तो कंटिन्यूअस ना, और कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बताता हूं क्वेश्चन क्या है। 99, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज एवरी पॉइंट इन द इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, नहीं, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरा, द फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1.5, है 1.5 इसके बीच में है, ग्रेटर देन 2 भी है, 2 पर नहीं है, 2 अगर बीच में आ रहा है तो नहीं है, यस और नो,
तो टू ओनली, फिर आओ 100 पे, व्हाट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब इस पे, तो 3 माइनस 2 x, 3 रख दो यहां, माइनस 3, समझ में आया लॉजिक। फिर 101 f डैश 2 प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, f डैश 2 माइनस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं दोनों स्टेटमेंट सही है, नहीं 2 प्लस 0 2 माइनस 0 पे फंक्शन अलग अलग होंगे, हाँ f डैश है ना, डिफरेंशिएशन है, तो 2 प्लस पे ये होगा और 2 माइनस पे ये होगा, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे पर दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्या दिया आंसर, सुनो पहले पहले 101 में बोला क्या है, पहला f डैश 2 प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, फिर बोला f डैश 2 माइनस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब समझो 2 डैश, पहले तो f2 क्या है, 0, f डैश 2 प्लस 0 क्या है, नीचे वाला हो जाएगा, करो उसका डिफरेंशिएशन, 3 माइनस 2 एक्स और एक्स की 2 रख दोगे तो 3 माइनस 4, तो ये पहला तो डज नॉट एग्जिस्ट है। अब उस पे आओ, f डैश 2 कितना है, 0, और f डैश 2 माइनस 0 ऊपर वाला होगा माइनस 1, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा दोनों करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। फिर बता देता हूं, पहले सुन लो, मतलब पहले दो समझ में आ गए, तीसरे में बेटा ये बोला f डैश 2 प्लस 0 और f डैश 2 माइनस 0, ठीक है। अब f डैश 2 प्लस 0 मतलब 2 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन है, देखो पहले f x इक्वल टू ये वाला फंक्शन लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, बोलो अब 2 प्लस वाला ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। अब इसका लेफ्ट जब अपन देखते हैं, इधर पे आओ, इसमें f डैश 2 माइनस के लिए फंक्शन ये लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बता बेटा। अब यहां पर अगर मैं 2 रख दूं, पहले देखना f डैश 2 प्लस 0 3 माइनस 2 इंटू 2, ये भी माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 है, ठीक है। क्या था, नहीं डिफरेंशियल नहीं ना, क्योंकि बीच में जीरो पे नहीं है, कंटिन्यूटी ही नहीं है जीरो पे, तो जीरो पे कंटिन्यूटी नहीं है। वैसे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, नहीं होगा ना, तो इसलिए तो बोल रहा बोथ 1 एंड 2, डायरेक्ट सी लगा दो, 2 पे ही तो पूछा है। फिर 102 में देखो ये स्टैंडर्ड है, 0 टू पाई बाई 2 बोलो, लॉग 10x, देखो लॉग साइन x होता है माइनस पाई बाई 2, कॉस भी यही होता है, और 10 0, ये छोटी छोटी चीजें रिवाइज भी करते चलना है। ये तो आपने करा लॉग स्टैंडर्ड बनाया, प्रूफ में करा था, लॉग साइन एक्स का आंसर होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, कॉस का भी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, और 10 का 0, 10 का 0। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्यों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा दिया है, ये कितना इक्वल टू दिया है बोलो, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी, वेयर b बी सी डी एंड डी आर कॉन्स्टेंट एंड a इज पैरामीटर, मतलब a कॉन्स्टेंट है, मतलब ये इसके साथ आ रहे हैं, बताओ क्या क्या आ जाएगा। अब इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, आप बाद में भी कर सकते हो, बाकी मेथड से करते तो क्या होता, dy अपॉन प्लस dx अपॉन,
परफेक्ट स्क्वायरिंग करो, ये ऐसा करोगे वाई स्क्वायर टू वाई के बाद बचता है वन बाय टू, वन बाय फोर जोड़ा, वन बाय फोर सेपरेट किया प्लस वन, तो एक तरह से ये मिलेगा वाई प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू। तो डायरेक्ट लिख दो इसको, जो इसका है वो इसका होगा। तो ऐसा लिखोगे आप, देखो यही कहीं लिखते हैं वाई प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू का, वो इसको लिखोगे तो अलग से लिखने लगना, ठीक है। अब बोलो टू बाय रूट थ्री टेन इनवर्स टू वाई प्लस वन अपॉन टू प्लस, ये भी वही आएगा टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री, हाँ सॉरी रूट थ्री इक्वल, वो ए पैरामीटर बोला है ना, ये वाला है, ये एबीसी अलग है वो कॉन्स्ट। अब इसमें लगेगा टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई और फिर वो जाके कंपेयर होता है, थोड़ा सा लंबा जाएगा पर बता रहा हूं मैं इसको करना ऐसा है। कांस्टेंट आएगा ना, दो एक दो इंटीग्रल हो रहे हैं तो इंटीग्रल का एक कांस्टेंट यहां लिख दो या वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 106 पर। 106 में क्या दिया देखो, 106 में दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन एफ एक्स इज साइन एक्स जीरो से पाई टू तक बढ़ता है, इसमें डिक्रीजेस दिया है तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, कॉस एक्स इंक्रीजेस जीरो टू पाई बाई टू ये भी फॉल्स, कॉस डिक्रीज होता है तो नाइदर वन नॉट टू, ये क्वेश्चन खत्म 106। क्या 106 की बात कर रहे हैं, नाइदर वन नॉर टू। 107 पे आओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो 3, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते ही नहीं है, तो 0 इज द राइट आंसर। क्या दिया है, पर्टिकुलर पूछा है तो नहीं होंगे, और पर्टिकुलर नहीं लिखा होता सॉल्यूशन तो 3। अरे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो आप, तो फिर जब आंसर आएगा तो आर्बिट्री कांस्टेंट कहां आएंगे। फिर 108, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू, बोलो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू 0 1 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय dy अपॉन y इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स, क्यों तो log y माइनस cos x लिख लो प्लस c, इसके साथ आ जाएगा तो y cos x इक्वल टू c पासिंग थ्रू 0 1, x की जगह 0 y की जगह 1 तो c की वैल्यू, तो y cos x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू sec x। आया समझ में। 109, अब देखो 109 में बोला है, मुश्किल से आपने अभी तक 30-40 क्वेश्चन छोड़े, पहुंच गया पेपर में, यही तरीका अगर अब इसके साथ दे दिया ये, क्यों तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, द डिग्री ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन नॉट डिफाइंड 1 ट्रू है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, ये कैसा है सही है क्योंकि ऑर्डर 2 है, ऑर्डर बता सकते हो डिग्री नहीं, तो क्या बोलोगे ओनली 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज, जब भी कभी बोले वर्टेक्स, वर्टेक्स से हमेशा पैराबोला पास होता है, तो क्या है वर्टेक्स और फोकस, ठीक है तो वर्टेक्स से पास होगा तो ऑप्शन सेटिस्फाई करवा सकते हो, पर सभी कर रहे हैं, पर तो मतलब कुछ ऐसा है तो बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 वाई,
सी हो जाएगा ना इधर आएगा तो। आप देखो पॉलिटी के चारों पांचों क्वेश्चन कितने सिंपल हैं। नंबर एक्स इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड वाई इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ इवन नंबर। सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक्स क्या बता रहा है? 1, 3, 5, 7। वाई 2, 4, 6। बस अब जेड को दिया है एक्स प्लस वाई से डिफाइंड। जैसे पहला क्वेश्चन है पी जेड इक्वल टू 5। पहले समझो जेड इक्वल टू 5 एक्स और वाई से मिलके बना है, दो नंबर सिलेक्ट करना है ना। इसमें से 5 कब होगा पहले बताओ, 1 और 4 और 2 एंड 3 और कोई आप देखो इसमें क्या होगा, z जो है वो x प्लस y। अब x प्लस y x कितना है 4 और z कितना है 3, तो 4 3 जा कितना 12, तो z के जो केस होंगे वो 12 होंगे। कैसे? 1 2 समझना, 1 4 1 6 ऐसे ही 3 2 3 4 समझाने के लिए 6 फिर लो 5 2 अभी ऐसे 12 केस, फिर बोलो 7 2 7 4 7, ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 इसके हैं 3 इसके 12। तो जब भी पॉलिटी का कोई क्वेश्चन करेगा अपॉन तो 12। अब इनमें वो नंबर निकाल ले जिनका सम 5 हो, तो 5 वाले कौन कौन से देखो, एक ही है 1 4 और बोलो 3 2 और बस, तो 2 बाय 12 यानी 1 बाय 6, ये इसका लॉजिक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन जो बोला है 112, वो बोला है पी जेड इक्वल टू 10 अपॉन अभी भी 12 होगा। अब 10 कब कब, देखो 10 में कौन कौन से है, 10 है ही नहीं, 10 हो भी नहीं सकता ना, तो 0 बाय 12। फिर बोला है ग्रेटर देन 11 अपॉन 12, ग्रेटर देन 11 मतलब सबसे बड़ा जो हो सकता है 5 और 6 11 और 7 और 6 यही हो सकता 13, तो 1 बाय 12। यह सुन लो, फिर बोला है P Z इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगेन 12, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर देखो कहां कहां है इस इनमें नहीं कट करते चलना, ये एक पहला हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर और एक ही हो गया और 7 2 3 और बस, तो 3 बाय 12 7 4 4 थोड़ी प्राइम होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अब देखो सिंपल क्वेश्चन था पॉलिटिकल, आप अगर बेसिक भी क्लियर होते हैं ना कई बार, तो हम कई क्वेश्चंस कर लेते हैं, करो नोट।